नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रथ एकेडमी में। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। ये अभी आपको जनवरी महीने का करंट अफेयर्स में डिस्कस करूंगा और आने वाले समय में जुलाई तक का करंट अफेयर्स आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। बिहार का जैसे ही खत्म होगा आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू नेशनल करंट अफेयर्स। इसके साथ साथ कुछ थीम्स टॉपिक पर भी हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हमारा चैनल है रथ एकेडमी, तो पहले आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे एंड दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, है ना। यहाँ पे आपको अभी जो मैं बिहार का करंट अफेयर आपको करूँ जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका आपको पीडीएफ यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों जैसे आपको पता है कि बीपीएससी में ऑलमोस्ट 30 के आसपास करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 8 ऐसे करंट अफेयर्स होंगे जो आपको बिहार सेंट्रिक होंगे, बिहार से रिलेटेड स्कीम्स हो गई या कुछ ऐसी कुछ भी, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे बिहार से स्पेसिफिक होंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है और हम है ना एक मिनिमम एफर्ट में 8 में कोशिश करेंगे कि कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपका है ना हो जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये देखिए पीडीएफ आपको इंग्लिश में ही मिलेगा और ये यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट है वो भी इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, बट मैं इसे बायलिंगुअल डिस्कस करूंगा। तो बेहतर है आप वीडियो को ध्यान से सुने, तो जो चाहे आप किसी भी मीडियम के हों, चाहे इंग्लिश मीडियम के हों चाहे हिंदी मीडियम के हों, आपको हेल्प मिलेगा और आपको बस कीवर्ड्स ही याद रखने हैं। इतना इंग्लिश मीडियम क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम है आपको पता है, तो आपको ऑप्शंस में बस कीवर्ड्स दिख जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए आप पहला है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन जनवरी 2023 डिस्कवर 2 स्मॉल स्तूपाज, इसको मिनिएचर स्तूपाज भी आप बोल सकते हैं, है ना, लघु स्तूप जिसे हिंदी में बोलते हैं, ऑफ अप्रोक्स 1200 ईयर्स ओल्ड, लगभग 1200 साल पुराना है ना मिनिएचर स्तूपा की डिस्कवरी हुई है जिसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया। कहाँ किया है ये? नालंदा बिहार परिसर ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ देखिए साइड में मैंने मैप भी लगा दिया है रेफरेंस के लिए, ताकि हम लोग डिस्ट्रिक्ट वगैरह को भी देखते चलेंगे ताकि ये याद हो। और ये इंपॉर्टेंट है कि आपको बिहार के ऑलमोस्ट 38 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपके माइंड में हो, उनकी मैपिंग बिहार की। तो हेयर इज नालंदा डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड है डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट स्कीम। ये क्या है? ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और इंडियन रेलवे। देखिए क्या है इस स्कीम में कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उसने बजाज अलियांस के साथ है ना कोलैबोरेट किया है। इसमें है क्या कि जो भी ट्रेडर्स होते हैं और जो पार्सल भेजते हैं, मान लीजिए उनका बिजनेस है ही पार्सल भेजने का, तो उस पार्सल का इंश्योरेंस किया जाएगा और इस इंश्योरेंस में कोलैबोरेट कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और इंडियन रेलवे, और इंश्योरेंस करने वाली कंपनी कौन है? वो है बजाज अलियांस। इसके हिसाब से क्या होगा कि पार्सल जो कि ट्रेडर का जो पार्सल होगा उसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से कोई व्यक्ति जाएगा बिजनेसमैन के यहाँ से, उस पोस्ट पार्सल को उठाएगा, पैक वैक करेगा, रेलवे के थ्रू उसको जहाँ पे डेस्टिनेशन पे भेजना होगा पहुँचा देगा, और उस बीच में उस पूरे पार्सल्स की इंश्योरेंस होगी, यानी कोई भी डैमेज वगैरह होता है तो उसकी रिकवरी ट्रेडर्स को मिलेगी, है ना। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी पार्सल डिलीवरी वाले जो बिजनेसमैन है उनको एक तरह से उनके मतलब कहने के लिए रिस्क कवरिंग है ये एक तरह का। इसके पार्सल पिक्ड फ्रॉम होम टू ट्रेडर्स पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू रेलवे पिक्ड अप एंड विल बी डिलीवर टू द डेस्टिनेशन, यानी रेलवे स्टेशन तक पोस्ट के द्वारा व्यक्ति डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से जो व्यक्ति है वो जाएगा, पार्सल को पिक करेगा, रेलवे स्टेशन पर डिलीवर करेगा, फिर वो इसको जहाँ भी जाना होगा जाएगा। इसका कॉस्ट होगा ये देखिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 0.30% होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बिहार इज एट फर्स्ट प्लेस इन रिक्रूटिंग वुमेन इन पुलिस फोर्सेस, है ना। बिहार जो पुलिस फोर्स है उसमें जो महिला पुलिस कर्मियों की संख्या वो ऑलमोस्ट 29,000 हो गई है और ये ऑलमोस्ट 29% में, यानी लगभग अगर हम बात करें कि बिहार पुलिस फोर्स की जो संख्या है वो अगर 1 लाख है तो उसमें 29,000 महिलाएं हैं, यानी 29%, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है और ऐसा करने में बिहार फर्स्ट प्लेस पे है। यानी अगर रेशियो की बात करें तो इतना रेशियो और कहीं किसी भी स्टेट के डिपार्टमेंट में पुलिस डिपार्टमेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। फोर्थ है 74th रिपब्लिक डे पे जो गांधी मैदान में आयोजित किया गया था, तो उसमें जो बिहार के लगभग 12 डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ने उन्होंने अपना टेबल्यू
जिसके झांकी बोलते हैं, प्रस्तुत किया, जिसमें फर्स्ट प्राइज मिला आपको पंचायती राज को। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो 24th रिपब्लिक डे है उसमें कितने डिपार्टमेंट ने अपने झांकी निकाली, तो 12, और फर्स्ट प्राइज किसे मिला, पंचायती राज। सेकंड जो है वो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को मिला। नेक्स्ट वन है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये स्कीम लाया गया है। इस स्कीम के थ्रू क्या करना है, क्या होना है कि मिनिस्ट्री जो है पूरे देश भर से ए नंबर ऑफ सेट ऑफ स्टेशन को चूज करेगी और उसे मॉडर्नाइज करेगी। तो बिहार में भी लगभग 86 रेलवे स्टेशन को अभी तक चूज कर लिया गया है। अभी रिसेंटली रिसेंटली नहीं मतलब जनवरी में बेगूसराय के दो स्टेशन को चूज किया गया, दैट इज लखमीनिया एंड साहेबपुर। ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि ये चीजें बदलती रहेंगी और भी चीजें इसमें स्टेशन ऐड होते रहेंगे। नेक्स्ट है बिहार विल सून बी लिंक टू टैफकॉप पोर्टल। टैफकॉप पोर्टल क्या है, टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, है ना। इसकी जानकारी किसने दी, इसकी जानकारी दी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ऑफ बिहार, जो कि है गिरिराज कुमार मिश्रा, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट हाउ मेनी मोबाइल सिम कनेक्शन आर एक्टिव इन योर नेम एंड हाउ मेनी आर टेकन ऑन फेक आईडी। यानी इसके थ्रू ये पता लग जाएगा कि आपके नाम पे, है ना, आपके आईडी से या फेक आईडी से कितने लोग सिम चला रहे हैं। और ये जो स्कीम है ना पहले से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे, तमिलनाडु जैसे स्टेट में ऑलरेडी ऑपरेशनल फेज में है, बिहार में इसे अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए हम 7th नंबर पे आते हैं। अरवल वुमेन पुलिस स्टेशन ऑफ बिहार हैज बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 3 पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री। आपको पता है कि हर साल जो है होम मिनिस्ट्री, है ना, बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड देती है, कंट्री पूरे कंट्री में इंस्पेक्शन किया जाता है और ये मिनिस्ट्री चूज करती है। तो इस बार का जो अवार्ड है वो फर्स्ट जो अवार्ड मिला है बेस्ट पुलिस स्टेशन का जो अवार्ड मिला है वो मिला है अस्का पुलिस स्टेशन को, ठीक है। सेकंड पे है बनबासा पुलिस स्टेशन और थर्ड पे है अरवल का वुमेन्स पुलिस स्टेशन। देखिए अरवल यहाँ पे है, ये छोटा सा अगर आप साउदर्न बिहार में, अगर बिहार की मैप की बात करें तो दिस इज हेयर इज अरवल, और अरवल जो है ये आपका बिहार का 38वां जिला भी है, यानी लास्ट जो सबसे मतलब कह सकते हैं कि नया जिला है, ठीक है। चलिए 8th पे आ जाते हैं। भागलपुर गॉट 7th रैंक इन इंस्पायर अवार्ड। एक इंस्पायर अवार्ड होता है जिसमें भागलपुर को 7वां रैंक मिला है, 2022 में इसे 3रा रैंक मिला था। नेक्स्ट है 61 ब्लॉक्स ऑफ बिहार इंक्लूडेड इन कंट्रीज 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। पिछले बजट में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की बात की गई है ना, तो एस्पिरेशनल जो ब्लॉक है वो एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड वर्जन है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का, है ना। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया जाता था और उसे बहुत तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया था पहले से। वो कौन कौन से जिले हैं, कटिहार है, बेगूसराय है, शेखपुरा है, अररिया है, खगड़िया है, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, नवादा। तो मे भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि आपको चार ऑप्शन दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, कौन सा जिला है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में शामिल नहीं था, है ना। तो इसमें से तीन आपको ऐसा मिलेगा, चौथा कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट उठा के डाल दिया जाए जैसे कि गोपालगंज जो इसमें नहीं है, ठीक है। खैर ये पुराना स्कीम है, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है ना, जिसका और इसके लिए स्टैंडर्ड सेट करने वाली संस्था कौन है, तो वो नीति आयोग तय करेगी कि कौन से ब्लॉक्स को कैसे इंक्लूड किया जाएगा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में। और इसका बेसिस है पॉपुलेशन के आधार पे और पर कैपिटा इनकम के आधार पे। पॉपुलेशन को 25% वेटेज दिया गया है और पर कैपिटा इनकम को 75% वेटेज दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 3D डोम स्क्रीन इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी विल बी इंस्टॉल्ड इन पटना प्लेनेटेरियम। पटना में एक तारामंडल है, आप इनकम टैक्स चौराहा से आगे बढ़िएगा तो वहाँ पे तारामंडल आपको देखने को मिलेगा, जो काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। तो वो इसलिए बंद पड़ा हुआ है क्योंकि इसका अभी मॉडर्नाइजेशन का काम चल रहा है, इसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, यानी इसका जो स्क्रीन है उसको 3D डोम स्क्रीन जैसा कि देख सकते हैं, जर्मन टेक्निक वाली स्क्रीन यहाँ पे लगाई जा रही है। और इसे लगाने का जो कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस कंपनी को दिया गया है वो है कार्ल जेस, ये भी एक जर्मन कंपनी है। यहाँ पे पिक्चर में आपको पटना का ये तारामंडल दिख सकता है, ठीक है।
यानी अब अगर जब ये दोबारा से ये स्टार्ट होगा तो आप इसमें जाइएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। नेक्स्ट है, शेखपुरा टॉप इन नेशनल रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन बिहार पब्लिश्ड बाय नीति आयोग इन जनवरी। देखिए नीति आयोग जो है ना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो लिस्ट है हमेशा मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने 3 महीने पर जारी करते रहती है, तो ये डेटा हमेशा चेंज होते रहता है। जनवरी वाले महीने में शेखपुरा को शेखपुरा ने टॉप किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैथिली ठाकुर हैज बिन अपॉइंटेड एज स्टेट आइकन ऑफ बिहार बाई इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है ने बिहार के लिए मैथिली ठाकुर को है ना स्टेट आइकॉन चुना है और ये 2024 तक रहेंगी टिल लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। तो आप जैसे कि इसके पहले आपको पता होगा पंकज त्रिपाठी भी रह चुके हैं, मनोज तिवारी भी रह चुके हैं, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं है ना। अब जो है मैथिली ठाकुर जो है एक फोक सिंगर है, ये बहुत सारे भजन वगैरह भी गाती हैं। नेक्स्ट है, बिहार डिफीटेड झारखंड इन सब जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज इन गांधीनगर गुजरात टू क्लेम द टाइटल। ये सिंपल सा, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। बिहार ने झारखंड को हराया किस चीज में, नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप में, है ना। और इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ किया गया था, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। दोस्तों देखिए ये वन लाइनर करंट अफेयर्स है, ठीक है, तो इसको आपको 2 बार 3 बार आप या तो वीडियो के थ्रू इसको रिवीजन करेंगे और नहीं तो आप इसके पीडीएफ्स को पढ़ेंगे, तभी आपको जाके ये याद होगा चीजें, है ना। कीवर्ड्स आपके दिमाग में रहेंगी, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाई इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच इज टॉप इन रिपोर्टिंग द डिजीज इन स्टेट। तो वो जहानाबाद है, यानी एक रिपोर्ट है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, जिसके तहत बीमारियों की जो रिपोर्टिंग में है उसमें बिहार के जहानाबाद जिले ने टॉप किया है। और लास्ट पे कौन है, अररिया, यानी जहानाबाद में बीमारियों की रिपोर्टिंग सबसे ज्यादा होती है, यहाँ के लोग ज्यादा जागरूक हैं इन चीजों को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर हेल्थ कॉन्शियस हैं, और अररिया में सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए 15th पे आ जाते हैं। ऑन 13 जनवरी एक्स यूनियन मिनिस्टर एंड एक्स प्रेसिडेंट ऑफ जेडीयू मिस्टर शरद यादव पास्ट अवे। ये देखिए ये आपको साइड में शरद यादव है, ये जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं, काफी लंबे समय तक रहे हैं, और ये होशंगाबाद एमपी में इनका जन्म हुआ था। हालांकि ये बिहार के जो है नीतीश कुमार जिनकी पार्टी है जेडीयू, है ना, उनके उसी जेडीयू के लगभग काफी लंबे समय तक ऑलमोस्ट 10+ ईयर तक ये प्रेसिडेंट रहे। 2018 में ये जेडीयू से अलग हुए, ये 7 बार लोकसभा एमपी रह चुके हैं, इम्पोर्टेंट है अपने आप में, है ना। तो ये और 3 बार राज्यसभा एमपी, यानी दोनों को ऐड कर दीजिए तो 10 बार ये एमपी ही रह चुके हैं, यानी लगभग 40-50 साल से तो ये इनका क्या बोलते हैं, ये पार्लियामेंट के एक मेंबर रहे हुए हैं ये एमपी। बिहार में अगर बात की जाए तो ये मधेपुरा से एमपी रहे हैं, हालांकि ये मध्य प्रदेश और यूपी से भी एमपी रह चुके हैं। इन्होंने जब 2018 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ा और वापस से बीजेपी में जाके मिले थे, तब ये नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू से अलग हो गए, जनता दल यूनाइटेड से, और इन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली थी, लोक जनतांत्रिक डेमोक्रेटिक ऐसे करके कोई पार्टी थी, जो बाद में आरजेडी के साथ मर्ज हो गई, है ना। नेक्स्ट है, 14 जनवरी को किशनगंज ने अपना मनाया 33वां फाउंडेशन डे यानी स्थापना दिवस। इसके आगे है फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट है, कबड्डी टूर्नामेंट का फेडरेशन कप ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे, तो मदुरई तमिलनाडु में, वहां पे बिहार की जो महिला टीम ने है बिहार वुमेन टीम को 3rd रैंक मिला, बस आपको इतना याद रखना है। एक देखिए किताब है प्रयोग धर्मी विकास शिल्पी, है ना, ये नीतीश कुमार से रिलेटेड है, इन्हीं के बारे में ये किताब है। इसके ऑथर है वरुण कुमार और इसका पब्लिशर है वाणी पब्लिकेशन, ठीक है। दूसरा है ये देखिए बिहार का जो दूसरा प्लेनेटेरियम है, अभी हमने पटना प्लेनेटेरियम यानी पटना के तारामंडल की बात की, और बिहार का जो दूसरा तारामंडल है वो दरभंगा में खुला हुआ है। हाँ, दरभंगा में ही कुशेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक। 19 जनवरी को मनाई गई महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि समारोह, जिसका उद्घाटन किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। देखिए मुजफ्फरपुर में जो इथेनॉल फैक्ट्री है ना मोतीपुर में, है ना, ये आपको यहाँ पे उसका पिक्चर देख सकते हैं, तो इसने टारगेट किया है कि वो 2023 में, यहाँ पे लिखना भूल गया, 2023 में 10 करोड़ लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन इस प्लांट से किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, द फर्स्ट ग्रीन ग्रिड ऑफ द स्टेट विल बी डेवलप्ड इन लाइन ऑफ जर्मनी एंड फ्रांस इन पीएमसी। देखिए जर्मनी और फ्रांस के तर्ज पे
पटना के पीएमसीएच में ग्रीन ग्रिड की को डेवलप किया जाएगा। मतलब कि ग्रीन ग्रिड का मतलब होता है कि बिजली का उत्पादन फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स, है ना। नेक्स्ट है द कैरम प्लेयर ऑफ बिहार हु वन हर थर्ड फेडरेशन कप। कैरम बिहार की कैरम प्लेयर है जिन्होंने अपना तीसरा फेडरेशन कप जीता, उनका नाम है रश्मि कुमारी जो कि पटना की है। विच स्कीम इज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे इन बिहार। घर घर पार्सल स्कीम, जिसका हमने स्लाइड के शुरुआत होने में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, घर घर पार्सल स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और इंडियन रेलवे के कोलोबोरेशन से जो बना हुआ है। नेक्स्ट है पर्सन ऑफ बिहार अवार्डेड विथ प्रवासी भारतीय अवार्ड। अशोक तिवारी को प्रवासी भारतीय अवार्ड मिला है, ये बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन, यहाँ पे एशियंट गलत हो जाएगा, एंशियंट होगा, है ना, प्राचीन जिसको बोलते हैं, इस टाइप हो गया है, एंशियंट विजडम इज इनोग्रेटेड इन बोध गया। तो इसको आप याद रखिएगा, दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एंशियंट विजडम का इनोग्रेशन हुआ कहाँ पे, बिहार के बोध गया या गया में। जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो कि तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज हुई, यहाँ पे पहला गोल्ड मेडल मिला बिहार को, और वो किसे मिला, वो खुशी खुशी कुमारी ने जीता, है ना, खुशी पे के एच होगा, ठीक है, खुशी कुमारी। चलिए ये स्पोर्ट्स बिहार के मतलब जनवरी में जो भी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स वाले सेक्शन है उस पे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बिहार की ही है सुहानी कुमारी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता कहाँ पे, तो 27th नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में, है ना, रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप 27th, कौन है, सुहानी कुमारी, क्या जीता उन्होंने, गोल्ड मेडल, दैट्स इट। नेक्स्ट है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, ये पूरी तरह से फैक्ट से आपको याद करना होगा। याद करने का मतलब है आपको रिपीटेडली इसको 3 बार 4 बार ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बाकी इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच इशू डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर फिलेरिया पेशेंट, है ना, तो वो पूर्णिया है। पूर्णिया ने फिलेरिया पेशेंट, या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हाथी पाव, है ना, जिसमें पैर फूल जाता है, मोटा सा हो जाता है ड्यू टू वायरस, वायरल, एक तरह के वायरल डिजीज, वायरस नहीं है ये, रिंग वर्म या ऐसा कोई करके, हाँ वायरस ही होता है जिसकी वजह से पाँव फूल जाता है और ये ठीक नहीं होता, इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसको फिलेरिया भी बोलते हैं, हाथी पाँव भी बोलते हैं, एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं। इससे ग्रसित लोगों को, है ना, दिव्यांग का सर्टिफिकेट या कह सकते हैं डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट देने वाला बिहार का जो पहला स्टेट बना डिस्ट्रिक्ट बना है वो पूर्णिया है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द अमेरिकन इंस्टीट्यूट वाइटल वॉइस एंड रिलायंस फाउंडेशन फाउंडेशन सिलेक्ट शिल्पी सिंह एज वुमेन लीडर फॉर 2022 एंड 23, फैक्ट है। नेक्स्ट है कजरा सोलर पावर प्लांट जो कि 250 मेगावाट की कैपेसिटी का है, ये कहाँ बना है, तो लखीसराय में बना है। देखिए सोलर प्लांट जहाँ बनता है वहाँ कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है, ये मैंने पिक्चर कुछ ऐड किए हुए हैं ताकि आपकी वो चीज़ें याद रहे, है ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग में रहे। नेक्स्ट है ग्राउंड पेंटिंग रडार जीपीआर सर्वे होने वाला है कहाँ, पटना में, इसलिए टू फाइंड आउट एंशियंट पाटलिपुत्र, है ना, और ये इस जो ये ग्राउंड पेंटिंग जो रडार है इसको लीड करेगी एक आईटी कानपुर आईआईटी, सॉरी आईटी प्रिंट हो गया, ये आईआईटी कानपुर की एक टीम है जो इसे लीड करेगी ग्राउंड पेंटिंग रडार सर्वे को, और इसका काम क्या होगा, तो एंशियंट पाटलिपुत्रा जो है की सिटी को, इसके रिमेन्स को खोजेगी, है ना। ये देखिए पीके साई है जिन्हें नया बिहार के नए एडवोकेट जनरल के रूप में चुना गया है। एडवोकेट जनरल ये क्या है, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो आर्टिकल 165 में इनके बारे में मेंशन है। ये काउंटर ये वो सेम होते हैं जैसे कि नेशनल लेवल पे हमारे होते हैं अटॉर्नी जनरल, है ना, अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री, है ना, इनको इनके बारे में बताया गया 76 आर्टिकल में, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, एडवोकेट जनरल का जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करते हैं स्टेट के, और ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है। तो ये बनाए गए हैं पीके साई, और ये रिप्लेस करेंगे ललित किशोर को। पीके साई पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिहार गवर्नमेंट में। नेक्स्ट है जियो ट्रू 5G सर्विसेज लॉन्च इन पटना एंड मुजफ्फरपुर। पटना और मुजफ्फरपुर में जियो ट्रू 5G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया गया है। देखिए जियो और एयरटेल दोनों ही, है ना, 5G सर्विसेज अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जियो ने अपने 5G के पहले ट्रू 5G सर्विसेज लगाया है, जबकि
एयरटेल ने ऐसा कुछ नहीं है, एयरटेल का सिंपल है 5G+, ठीक है। तो ये ट्रू 5G और 5G में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप इसको पढ़ लेंगे। मैं थोड़ा सा बता यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जो ट्रू 5G है ना, इसके लिए स्टैंड अलोन नेटवर्क को डेवलप किया है जियो ने, यानी 5G के लिए अलग से नेटवर्क लगा रही है जियो। लेकिन जो एयरटेल की जो 5G सर्विसेज है ना, उसने अपने 4G के ही इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरह से इनहांस करके 5G में कन्वर्ट किया है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल आप आगे अपना पढ़ लेंगे, यहाँ पे उतना बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, फॉर्मर डीजीपी एसके सिंह, पूर्व डीजीपी जो बिहार के रह चुके हैं एसके सिंह, उन्हें बनाया गया है न्यू चेयर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल सेलेक्शन काउंसिल, है ना, केंद्रीय चयन परिषद, इसका हिंदी होगा। तो एसके सिंह को इसका चेयरमैन बनाया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड कोल अलॉट 7 ब्लॉक्स फॉर माइनिंग ऑफ वेरियस मिनरल्स इन बिहार, है ना। यूनियन मिनिस्ट्री माइंस एंड कोल्स ने बिहार के 7 ब्लॉक्स को अलॉट किया है, अलग अलग टाइप के मेटल्स और कह सकते हैं मिनरल्स को एक्सकेवेट करने के लिए, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट है ग्लूकोनाइट पोटास, जिसे रोहतास से एक्सकेवेट किया जाएगा, और इसके आगे है क्रोमियम, निकल, कुछ और भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं जिसे गया और औरंगाबाद में से एक्सकेवेट किया जाएगा। आप इसे याद रखेंगे, पूछ सकता है कि ग्लूकोनाइट जो है पोटास वो कहाँ, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, दैट इज रोहतास। नेक्स्ट है कोयल कैनल। देखिए कोयल कैनल से नाम से ही पता चलता है कि इसका कंस्ट्रक्शन नॉर्थ कोयल रिवर पे होने वाला है, एट द कॉस्ट ऑफ ₹1364 करोड़। हालांकि ऐसे फैक्ट्स पूछने की उम्मीद कम है, फिर भी सब देख सकते हैं। पीजी गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की जो भी पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स स्टूडेंट है ना बिहार में, दे विल गेट स्कॉलरशिप फॉर मैटरनिटी लीव, यानी अगर वो मैटरनिटी लीव लेती हैं तो उसके बाद भी उस लीव पीरियड को ऐड करते हुए उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगा, मतलब उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जबीर अंसारी जो हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ऑल इंडिया कराटे कंपटीशन में, यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं जबीर अंसारी, है ना, बहुत ही टैलेंटेड आदमी है। 75 kg वेट कैटेगरी में इन्हें मिला है गोल्ड मेडल। इस ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे कंपटीशन हेल्ड एट अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़, वहां पर जाके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, बिहार फर्स्ट सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट मेड इन भागलपुर, बिहार का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट भागलपुर में बनाया गया है। इसे बनाया है सीनियर एडवोकेट अनिल झा ने, है ना। भागलपुर में भी अगर बात करें तो नूरपुर नाथनगर में, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा बीपीएससी अंदर जाके पूछ दे रहा है, जैसे पिछला बार पूछ दिया था कि दरभंगा में जो सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ है, तो वो कदीराबाद दरभंगा उसका आंसर था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में भी कहाँ पे है उसको मेंशन कर दिया है, ठीक है। देखिए सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट क्या होता है, एक तरह का कह सकते हैं कि स्क्रीन लगा होगा, है ना, और मान लीजिए अगर किसी का केस चल रहा है किसी दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो वो व्यक्ति यहीं से आके उसकी सुनवाई हो सकती है, उसे वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, यानी डिजिटल मोड में वो अपीयर हो सकता है कोर्ट के सामने। नेक्स्ट है, पर्सनालिटीज ऑफ बिहार हैव बीन कंफर्ड पद्मश्री, है ना। जैसे कि आपको पता होगा लगभग 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, टोटल 106 लोगों को पद्मा अवार्ड दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों मिला के दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें 91 पीपल हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है, ठीक है, 9 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। ये अपडेट एक बार देख लेंगे, चेक क्रॉस चेक कर लेंगे। देखिए खैर हमारा फोकस यहाँ पे है कि जो बिहार से जिन 3 लोगों को पद्मश्री मिला है वो है सुभद्रा देवी, जो कि पेपर मासी आर्टिस्ट हैं, ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ये हैं सुभद्रा देवी, है ना। नेक्स्ट है आनंद कुमार, इन्हें कौन नहीं जानता, सुपर 30 के फाउंडर, इन पे तो मूवी बन चुकी है रितिश ऋतिक रोशन वाली, है ना, ऋतिक रोशन ने इनका रोल प्ले किया था और ये काफी फेमस है, काफी मोटिवेशन वगैरह देते रहते हैं आनंद कुमार जी। नेक्स्ट है कपिल देव प्रसाद, जो कि 52 बूटी आर्ट से रिलेट करते हैं। 52 बूटी आर्ट एक तरह का साड़ी को डिजाइन करने वाला आर्ट है, ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इनका फेस तो नहीं दिख रहा, देख सकते हैं ये साड़ी पे वो ही आर्ट करते हुए। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट विशिष्ट सेवा मेडल, जो कि बिहार के 2 पुलिस पर्सनल को मिला है, विनय कुमार शर्मा जो कि SDPO है निमचक बथनी गया में, और दूसरे हैं इंस्पेक्टर विनय कृष्ण जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, ये वही इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है जिसने 67th BPSC में जो पेपर जो पहला पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया ना,
तो उसने फाइंड आउट किया था कि वो कौन कौन लोग हैं, तो इसी यूनिट से हैं ये, इंस्पेक्टर विनय कृष्णा। और 17 पर्सनल को मिला है मेरिटोरियस पुलिस सर्विस मेडल, ये दो नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट रैंक टू बिहार इन प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम, इसका यही नाम है, इसको आप याद रख सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रख सकते हैं, तो PMFME है ना, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन माइक्रो प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम, इसमें बिहार को पहला रैंक मिला है, बहुत ही अच्छी बात है। बिहार ने टॉप किया है इसरो नाइट टाइम एटलस, है ना, इसरो के नाइट टाइम एटलस में बिहार ने टॉप किया है। ये एक तरह का ऐसा है कि आप कह सकते हैं कि जब रात में वो एक बर्ड व्यू से देखा जाता है, तो बिहार में जो लाइट की इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा इनहांस हुई है, इसलिए इसे नाइट टाइम एटलस में बिहार को टॉप, क्योंकि आपको पता है कि बिहार ने इलेक्ट्रिसिटी कवरेज में काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है पिछले 8 से 9-10 सालों में। इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज नॉर्दर्न वुड एक्सपो इन पटना, ये फैक्ट है, इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे कि इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया, बिहार गवर्नमेंट का जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, नॉर्दर्न वुड एक्सपो, कहाँ पे, तो पटना में। ये देखिए डॉक्टर मंगला रॉय हैं जिन्होंने जिन्हें अपॉइंट किया गया है सीएम नीतीश कुमार के एडवाइजर के रूप में, इसलिए तो वो फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप, जैसे आपको पता होगा कि इससे पहले 3 एग्रीकल्चरल रोड मैप बिहार सरकार ला चुकी है और ये चौथा एग्रीकल्चरल रोड मैप है ना, इसमें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अलग अलग चीजों को बढ़ाया जाएगा। जैसे कि एक मैं पढ़ रहा था तो उसमें चीज थी कि नीचे मछली पालन होगा और उसके ऊपर मुर्गी पालन होगा, है ना, और इसमें जाले इस तरह से होंगे, नीचे मछली रहेगी, नीचे मछली ऊपर मुर्गी, इस टाइप से उन्होंने इस चीज को वो किया था, कनोट किया था। नेक्स्ट है, और ये इसका जो टाइम फ्रेम है, ये 1 अप्रैल 2023 से फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप स्टार्ट होगा, जो ऑलमोस्ट 2028 यानी 31 मार्च 2028 तक ये चलेगा, 5 साल का ये एग्रीकल्चरल रोड मैप है, जिसमें एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रयास और स्कीम्स लाई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, 60th नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में सानवी चौहान जो कि पटना की हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। देखिए बिहार का एक शॉर्ट फिल्म है ना, जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया, ठीक है, उसके जो जो वो फिल्म है उसका नाम है बसंती, और उसके प्रोड्यूसर हैं श्रवण कुमार, डायरेक्टर नहीं है, प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। सहस्त्र बुद्धा स्तूप है, ये मिला नालंदा में ड्यूरिंग एक्सकवेशन नालंदा। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट है जिसमें अगर डिजिटल डिवाइड की बात करें तो उसमें बिहार की स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम इंटरनेट आउटरीच है, यानी सबसे कम लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा है, तो यानी अगर कहें अगर पूरे कंट्री से अगर कंपेयर करें बिहार को, तो एक बड़ा सा डिजिटल डिवाइड कह सकते हैं। ऑक्सफैम इंडिया इनइक्वालिटी से रिलेटेड बहुत सारी रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। रोपवे इज बींग बुल्ट ऑन वनावर माउंटेन इन जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, आप इसको याद रखेंगे कि वनावर माउंटेन कहाँ है, तो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे रोपवे लगाया जाएगा, इस तरह से कुछ, ठीक है। मिशन गुणवत्ता अभियान है ना, मिशन गुणवत्ता अभियान शुरू किया गया है, किस लिए, मेडिकल फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट सदर हॉस्पिटल में, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसको हम लोग कहते हैं, आपको पता ही है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का क्या हाल होता है ना, ना डॉक्टर मिलेगा ना बेड, तो उसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है, ताकि डॉक्टर भी मिले और इमरजेंसी में बेड भी, और कह सकते हैं कि इलाज भी। नेक्स्ट है, 53 साहित्य एकेडमी अवार्ड टू मैथिली ट्रांसलेशन, ये मिला है रत्नेश्वर मिश्रा को जो कि पूर्णिया के हैं, क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने चमन लाल जी हैं, चमनलाल जी हैं जिनकी इंग्लिश बुक है आजादी, इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया है मैथिली में, इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। देखिए कर्पूरी ठाकुर जी का 99th बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया 24 जनवरी को, ये है कर्पूरी ठाकुर पिक्चर में। सीनियर नेशनल रेसलिंग कुश्ती चैंपियनशिप, रेसलिंग को ही हिंदी में कुश्ती बोलते हैं, है ना, तो ये कैमूर के हैं नीरज कुमार, जिन्हें मिला है ब्रॉन्ज मेडल 55 kg कैटेगरी में, ये कैटेगरी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट है, रिसेंटली सीएम नीतीश कुमार लॉन्च द बुक सोने के हाथ, है ना, सोने के हाथ मतलब गोल्ड वाला, यहाँ पे सोने का मतलब है वो, सोने स्लीपिंग वाला नहीं,
ठीक है, उन्होंने एक बुक लॉन्च किया सोने के हाथ, और इस बुक के राइटर हैं राज्यवर्धन आजाद। ठीक है, बिहार पवेलियन गॉट सिल्वर मेडल इन 41st एडिशन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, बिहार में बिहार पवेलियन को सिल्वर मेडल मिला। बिहार बिकम विनर ऑफ 32nd सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग हरियाणा, यानी बिहार ने हरियाणा को हरा के 32वां सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप को जीत लिया है। बहुत ही प्राउड की बात है। नेक्स्ट है 59th है, उपेंद्र महारथ स्कल्पचर शिल्प इंस्टीट्यूशन ऑफ पटना कोलेबरेटेड विद अमेजन टू सेल इट्स प्रोडक्ट ऑनलाइन। ये एक कह सकते हैं कि बिजनेस एंटिटी है, उपेंद्र महारथ स्कल्पचर इंस्टीट्यूशन, जो कि मूर्तियां बनाती हैं, है ना, ट्रेडिशनल स्कल्पचर या मूर्ति की मूर्तियां बनाती हैं। इसने अमेजन के साथ कोलेबरेट किया है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच सके। कास्ट सेंसस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है कि बिहार में स्टार्ट हुआ 7 जनवरी 2023 को। ठीक है, और ये दो फेज में होने वाला है। फर्स्ट फेज 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक चला, जिसमें घरों को गिना गया, नंबरिंग ऑफ हाउसेस की नंबरिंग की गई, है ना, और घर के जो भी चीफ हैं, है ना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की गई। ठीक है, सेकेंड फेज जो है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाला था, तभी बीच में किसी ने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका डाल दी और इस पे स्टे लग गया था, आपको पता होना चाहिए। और वो स्टे परसों, है ना, यानी कह लें कि 2 तारीख को, 2 अगस्त को हाई कोर्ट ने उस स्टे को हटा लिया और उस याचिका को खारिज कर दिया। बोला कि भाई होने दो कास्ट सेंसस, और जैसे ही खारिज हुआ तो कल से यानी 3 अगस्त से, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस रेफरेंस में बोल रहा हूँ, आज मैं 4 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी 3 अगस्त से फिर से ये कंटिन्यू हो गया सेकेंड फेज का जो बचा हुआ है। ठीक है, और सेकेंड फेज में क्या होगा, तो कास्ट के साथ साथ आपसे 26 टाइप्स ऑफ डेटा को इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें आधार से लेके और भी चीजें, है ना, डेटा आपसे कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल कास्ट सेंसस चल रहा है। और एक और इससे रिलेटेड आज न्यूज आई है कि इसके खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है, और बिहार गवर्नमेंट ने अपने से भी एक कह सकते हैं कि प्रीएम्प्टिव स्टेप लिया है, और सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिका दे दिया है कि भाई आप इस तरह की याचिका को ना सुने, है ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अब तो हाई कोर्ट ने भी इसको गो अहेड वाले, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तब देखिए आगे क्या होता है, फिलहाल ये कंटिन्यू है, और अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं लगाती है देन दिस विल बी डन। हाँ जी, सीएम नीतीश कुमार ने इसको स्टार्ट किया था कहाँ से, हरेसर विलेज, वैशाली के हरेसर विलेज के गांव पे एक लिख के स्टार्ट किया था, किसी घर से, पता नहीं कौन सा घर था, वो एक नंबर घर है। नेक्स्ट है स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल 2022 ऑर्गेनाइज इन मुजफ्फरपुर, यहाँ पे देखिए मुजफ्फरपुर है ना, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इंडिया तिब्बत थॉट्स स्टडी सेंटर इज डेवलप्ड। इसको हिंदी में बोलेंगे इंडिया तिब्बत विचार केंद्र, विचार अध्ययन केंद्र, विचार अध्ययन केंद्र, तो इसको स्टार्ट किया गया, डेवलप किया गया है गया डिस्ट्रिक्ट में, ऑलमोस्ट हम लोग खत्म करने वाले हैं। 63 है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन विच 51st शक्तिपीठ धम्म महामंदिर विल बी डेवलप्ड, वो पटना में, यानी 51वां शक्तिपीठ धम्म महामंदिर कहाँ बनाया जाएगा, तो वो पटना में बनाया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टेम्पल ऑफ कंट्री विच विल बी रन बाई, और ये कंट्री पूरे देश का पहला ऐसा मंदिर होगा जहाँ पे 51 फीमेल मेंबर्स यानी महिला पुजारी होंगी वहाँ पे, है ना, और चीफ जो मुख्य पुजारी वो भी महिला ही होगी। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में बिहार काफी अग्रणी वैसे भी रहता है और है अभी भी है। FSSAI फूड लैब इनोग्रेटेड इन ईस्ट चंपारण, हियर इज द ईस्ट चंपारण, है ना, यहाँ पे FSSAI का फूड लैब स्टार्ट किया गया है। नीतीश कुमार जी ने समाधान यात्रा निकाली थी 5 जनवरी को, पता नहीं किस चीज का समाधान ढूंढ रहे थे, वाल्मीकि नगर बेतिया वेस्ट चंपारण से इसके स्टार्ट हुई थी। देखिए तो यहाँ पे बेतिया है वेस्ट चंपारण से, ठीक है, हमको बस इतना ही याद रखना कि यहाँ से स्टार्ट किया था उन्होंने, कब किया था ये भी याद रखना है, 5 जनवरी को। बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस अलाइड विथ जीविका ऑफ बिहार गवर्नमेंट टू एलिमिनेट पॉवर्टी, है ना, देखिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस, है ना, इन्होंने बिहार की जीविका के साथ, आपको पता होगा कि जीविका और जीविका से 67th के मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ था। ठीक है, तो ये जीविका जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप जरूर पढ़ेंगे, है ना, तो पॉवर्टी को एलिमिनेट करने करने के लिए इसने जीविका के साथ कोलैबोरेट किया, किसने, बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस ने।
फॉर द फर्स्ट टाइम बिहार इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट इशू रैंकिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन विच, है ना। देखिए बिहार के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने पहली बार रैंकिंग जारी किया डिस्ट्रिक्ट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, जिसमें सिवान को पहला और पटना को दूसरा, है ना, रैंक मिला है। सिवान पटना से आगे है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं। यहाँ पे पटना है, यहाँ पे सिवान है, यहाँ पे सारण है, ठीक है। गंगा जी यहाँ से बक्सर से इंटर करती हैं, भोजपुर होते हुए आगे बढ़ती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट स्लाइड है हमारा। राम वृक्ष वेणीपुरी स्मारक विल बी बिल्ट इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, है ना। ग्रीन बजट ऑफ बिहार इंक्रीज बाई 3.26%। ग्रीन बजट बिहार का, देखिए ग्रीन बजट बिहार जो है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था विंटर सेशन में, बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली के विंटर सेशन दिसंबर नवंबर दिसंबर में, और इसको इंक्रीज कर दिया गया 3 पॉइंट। ग्रीन बजट बेसिकली ऐसा होता है कि जिसमें है ना नॉन फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को कम करना है ना, रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा बढ़ावा देना, इस तरह की चीजों को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। रक्सौल टू हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जिसका टोटल लेंथ है 695 किलोमीटर। नेक्स्ट है वाटर स्पोर्ट सेंटर कहाँ पे बिल्ड किया जाएगा, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में बिल्ड किया जाएगा। देखिए कैमूर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है ना, ये वाला। सुपौल रैंक फर्स्ट इन इनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल, है ना। देखिए गवर्नमेंट स्कूल में अगर इनरोलमेंट की बात करें ना, तो वहाँ पे सुपौल ने फर्स्ट रैंक हासिल किया। ऑलमोस्ट 93% वहाँ पे बच्चे इनरोल्ड हैं गवर्नमेंट स्कूल में, ये बहुत बड़ी बात है। सुपौल कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अररिया के बगल में यहाँ पे है सुपौल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अरवल एंड सिवान आर टू डिस्ट्रिक्ट वेयर नो चाइल्ड इज आउट ऑफ स्कूल नाउ। ये बहुत बड़ा बड़ी अचीवमेंट है कि अरवल और सिवान ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे जहाँ पे कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं, यानी लगभग 100% बच्चे वहाँ पे स्कूल जा रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है, ठीक है। सो दिस इज द वीडियो गाइड रिगार्डिंग जनवरी करेंट अफेयर ऑफ बिहार। मैंने ऑलमोस्ट चीज़ों को कंपाइल करने की कोशिश की है, अगर कुछ एक दो चीज़ें छूट भी गई होंगी तो वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही हम जुलाई तक के करंट को कवर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। आई विल ट्राई एज टाइम परमिट्स, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, तो दैट विल गिव मी द मोटिवेशन टू ब्रिंग मोर वीडियोस फॉर यू। और मैं आप आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा एक सप्लीमेंट के तौर पे। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।